तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम वीरू है। मैं बताने वाला हूँ कि बीइंग इमेज क्रिएटर का यूज करके आप अपनी फोटो को कैसे शानदार बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बताते हैं कि कॉफी जो होती है, कॉफी के ऊपर से जो स्मोक निकलता है, कॉफी में से जो गर्म रहती है, तो उसमें जो स्मोक निकलता है उससे नाम आपका कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम बताते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है और इसमें कौन सा प्रॉम्प्ट यूज करना है। तो जो भी मैं प्रॉम्प्ट यूज करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप कॉपी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए और इसमें देख लीजिए कि कैसे बनाया जाता है और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए और बीच में स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, और इसमें और मैंने इस वीडियो के अलावा और भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जो मेरे चैनल पे अभी है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि और भी कैसे अपनी फोटो को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बताते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है और मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले चलते हैं अपने बीइंग ऐप में। ठीक है, बीइंग ऐप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। हमको क्रिएट इमेज फ्रॉम वर्ड्स विद एआई पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है यूज करना है, हमने पहले से कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक कर दिए। अब कुछ ही सेकंड में हमारी जो फोटो है वो जनरेट होके यहाँ पे आ जाएगी। हमारे पास चार फोटो आएगी। ठीक है, ये हमेशा ही चार फोटो देता है जनरेट करने के बाद। तो अभी कुछ ही सेकंड में हमारी जो फोटो है वो जनरेट होके आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गई है। हमको जो फोटो डाउनलोड करनी है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने सभी फोटो को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह तरीके से हम अपनी सारी फोटो को डाउनलोड कर लेंगे। अगर हमको और भी फोटो बनानी है तो हम फिर से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, हमारी जो फोटो है वो बन के फिर से आ जाएगी। चार फोटो हमको हर बार जनरेट करके मिल जाएगी। ठीक है, तो जब जब हमको फोटो जनरेट करना है तो हमको बस क्रिएट पे क्लिक कर देना है। और अगर आप अपने नाम का बनाना चाहते हैं तो बस इसमें कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी आपको, वो भी उसके बाद आपको मिल जाएगी फोटो। ठीक है, आपके नाम का बन जाएगा। तो अभी हमने क्रिएट किया हुआ है, तो जो हमने प्रॉम्प्ट यूज किया हुआ है एक बार किया, उसके बाद दोबारा भी वही करेंगे। ठीक है, क्रिएट करने के बाद अभी जनरेट होके फिर से वो आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर जितनी दफा उसको बार बार क्रिएट पे क्लिक करेंगे उतनी दफा ये आपकी फोटो जनरेट कर करके अलग तरीके से आपको देता रहेगा। ठीक है, अब इसमें से जो भी हमको डाउनलोड करना है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप भी अपनी फोटो को एक दफा, दो दफा या जितनी बार आप चाहें उतनी बार उसको क्रिएट कर सकते हैं। जितनी बार करेंगे अलग तरीके से आपकी फोटो जनरेट होके आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी और उसमें से जो भी आपको पसंद आता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने किया है उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। और इसी तरह आप अपना साथ देते रहिए। और किसी भी तरह की वीडियो के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे ताकि हम उसके ऊपर जानकारी बना के आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।